हेलो एवरीवन आज जो हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द लेक्चर नंबर सिक्स चैप्टर चला हुआ है हमारा सॉल्यूशन और आज हम जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब जरा चेक कीजिए यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो टोटल हमारे पास फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट क्योंकि सी या कोई भी बोर्ड उठा लीजिए यहाँ से अक्सर एक मार्क्स का सॉरी टू टू थ्री मार्क्स का एक न्यूमेरिकल अक्सर फंसता है ठीक है तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे पास रिलेटिव प्रेशर जिसको बोलते हैं आर एल वी पी के कंसेप्ट में मैंने करा दिया था आज मैं दोबारा से रिपीट कराऊंगा एंड डिटेल उसके बाद सेकंड चलता है हमारा एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तीसरी चलती है हमारे पास डिप्रेशन in freezing point and the fourth properties is fourth properties I have osmotic osmotic pressure और आज इन दिस वीडियो आज हम जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ दैट इज द आर एल वी पी आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एंड में मैं फार्मूला बताऊंगा और फॉर्मूले के बेसिस में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे टैगल करना है क्लियर पहले मेरा आ, हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है सोल्यूशन चैप्टर की पहले इसकी थ्योरीज होंगी एंड फॉर्मूले होंगे उसके बाद मैं हर एक कंसेप्ट के न्यूमेरिकल का वीडियो अलग से अपलोड करूंगा तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं आर एल वी पी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है, है, है देखिए अगर हम एक बिक कर ले और इसके अंदर हम क्या डाल दे सोलवेंट एंड सोल्यूट देखिए सोलवेंट जो होगा मेरा वो क्या होगा एज दोलवेंट और सोल्यूट बी वो होगा मेरा क्या सोल्यूट सोल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा मैं बी से पहले तो मुद्दा उठता है कि जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या तो जरा चेक कीजिए देखिए अगर किसी ने पूछ लिया कि डू बाय द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो तुमने आंसर देना कि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पे डिपेंड करे डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ठीक है कोई भी प्रॉपर्टीज अगर सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है उसके अमाउंट पे डिपेंड करती है उसके मोलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड करती है तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अब जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा सोल्यूशन है ये ए कंपोनेंट है ये बी कंपोनेंट है अब हमें पता है यहां पे बी तो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्यों क्योंकि दैट इज द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर मैं सोल्यूशन में रोड स्लैप्लाई

ट इज क्लियर ओके अब आगे जरा चेक कीजिए अब देखो अब हमें पता है वी नो दैट वी नो दैट कि जो एक्स ए अगर मैं मोर फैक्शन को जोड़ दूँ तो इजिकल टू कितनाता है वन क्या मैं यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल सकता हूं तो वन माइनस एक्स बी अब ये जो वैल्यू है ये जाके मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बना पी एस पी नोट ए वन माइनस एक्स बी अब देखिए यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू निकालते हैं एक्स बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए अब जो ये एक्सप्रेशन आया दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसी को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर आर एल वी पी रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों जरा देखिए जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया ना ये है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये पूरी टर्म ठीक है ये देखो पी नोट ए किसका था हमारा प्योर सोलमेंट का ये किसका था सॉल्यूशन का और ये क्या था पी नोट ए का अब इसके सामने कौन आया जरा ध्यान से देखिए ये क्या आया ये आया हमारे क्या मोल फ्रैक्शन ये आया हमारा मोल फ्रैक्शन किसका सोल्यूट का ये आया हमारा मोल फ्रैक्शन किसका सोल्यूट का तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई अब मेन कंसेप्ट चलते हैं अब देखिए आगे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि ये नीचे का दिखाई दिया या नहीं चलिए स्टार्ट करते हैं अब देखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे अब हमें पता कि जो एक्स बी होता है हम कैसे निकालते हैं जिसके भी तुमने मोल्स निकालने जिसका भी तुमने मोल फ्रैक्शन निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बी डिवाइडेड बाई टोटल एन ए प्लस एन बी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा जरा चेक कीजिए एन बी और यहाँ पे क्या आया एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड by पी नोट ए अब जरा ध्यान से सुनना देखिए जब भी आप लोग फोर न्यूमेरिकल फोर एन सी आर टी फोर एन सी आर टी नुमैरिकल के लिए ये एज्शन है इसको थोड़ा चेक करना यहां बच्चे गलती करते हैं देखिए जब भी आप एन सी आर टी का न्यूमेरिकल सोल आउट करोगे तो उसके लिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जरा देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो एन बी है इसकी वैल्यू इतनी छोटी है एज़ कम्पेरिजन टू एन ए के यहाँ पर नंबर ऑफ मॉल्स जो बी के हैं बहुत 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 कम है एज कम्पेरिजन टू एन ए इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एन बी को हम क्या करते हैं निगलेक्टेड करके चलते हैं ठीक है इसको हटा के चलते हैं तो एक्सप्रेशन क्या आया एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट ए क्लियर अब देखो एन बी की वैल्यू हमें पता है कि एन बी किसके क्वाल होता है गिवन वेट ऑफ़ बी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ बी ऐसे ही एन ए की स्केक्ल होता है गिवन वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए अब ये दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा डब्ल्यू बी अपोन एम बी मल्टीप्लाइड बाई पल्टी लग जाएगी तो ऊपर क्या जाएगा ऊपर जाएगा हमारा एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इजिकवल टू पी नॉट ए माइनस पी एस एंड यहाँ पे आ गया P नोट A अब ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना ये 100% किसके लिए यूज होगा नमेरिकल ये 100% यूज होगा नमेरिकल के लिए ठीक है अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए कि कब हम इसको निगलेक्ट करेंगे कब हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे वैसे तो सारे क्वेश्चनों में 99% नाइन क्वेश्चनों में हमने ये निगलेक्ट करके चलना पड़ेगा सारी कैलकुलेशन ऐसी ही होगी अगर वो कंडीशन दे देता है कि 5% ठीक है अगर कंडीशन 5 फाइव परसेंट और फाइव परसेंट से नीचे रखता है तब हम इसको निगलेक्ट करके चलेंगे अगर वो बोलता है सोल्यूशन इज़ वेरी वेरी डल्यूटेड तब भी हम इसको क्या करके चलेंगे निगलेक्ट अगर कंपटीशन में वो नहीं देता ठीक है बोल देता है कि ट्वेंटी परसेंट है ज़्यादा डल्यूशन नहीं है तब हम दोनों के दोनों फैक्टर को लेके चलेंगे कैलकुलेशन में लेकिन एनसीआर टी सी में जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे वो इस फॉर्मूले के बेसिस पर लगेंगे अब यहाँ पर की पॉइंट समझना ध्यान से देखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखो जो ये टर्म है ना पी नोट ए माइनस पी एस एंड पी नोट ए देखो जो ये ऊपरली टर्म होती है ना ये ऊपरली पी नोट ए माइनस पी एस इसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये ध्यान रखना ये मेरिकल में फंसाएगा तुम्हें वो वैल्यू देगा कि भाई इस सोल्यूशन का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इतना है तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू दी उसने पी नोट ए माइनस पी एस की लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर वो पूरी टर्म दे अगर वो बोले रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर तो हमने इसको रिलेट करा दिया पी नोट ए से ये पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्लियर तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्या बनते हैं यहाँ से नमेरिकल बनते हैं और हर बार मजे की बात देखें जितने भी नमेरिकल आएंगे बार बार वो मोलिकुलर मास पूछेगा किसका एम बी का तो यहाँ से आप एम बी की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे बी को उधर ले जाओ इसको इधर और एंड क्रिस क्रॉस करके अपना आंसर क्लियर कर सकते हो तो दैट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और ये थी हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है और एंड में हमें सी बी एस ई बोर्ड के लिए ये रिजल्ट याद रखना है इसी के बेसिस पे चलेंगे हमारे नमेरिकल और नमेरिकल के लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जैसे कि हमारा हेनरी लॉ हो गया उसके सारे न्यूमेरिकल उठाएंगे उसके बाद हमारा रिलेटिव लोरिंग इन वेपर प्रेशर एलिवेशन डिप्रेशन ऑस्मोटिक एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कंटेंट वेंट हो फैक्टर इनकी सेपरेट वीडियो बनेगी 30 30 मिनट्स की नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड द नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है किसके ऊपर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर